आइए आज अपने करंट जीके के अंदर एक मैं दिवस पर बात करने जा रहा हूं और दिवस का जो नाम है वो है विश्व पृथ्वी दिवस। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते, आता ही आता है। इसके आसपास किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बात करेंगे अपने। स्टार्टिंग करते हैं अपने, पेज के बीच में लिखो विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। आप सभी जानते हो ये दिवस जो मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। देखिए इस दिवस के संबंध में हमने तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि इसकी हिस्ट्री, इतिहास, इस दिवस के इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। आप ये भी कह सकते हो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, क्यों मनाया जाता है। और तीसरा, जैसे हम लेटेस्ट बात करें तो 22 अप्रैल 2024 की थीम क्या है। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है। देखो ये तो पता ही है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बताना, लेकिन मेन बात ये है कि इसकी थीम क्या है, 22 अप्रैल 2024 की थीम क्या है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए एक हिस्ट्री में यदि अपने कहें तो मुझे एक स्टार्टिंग जो करनी पड़ेगी विचार से करनी पड़ेगी। इस दिवस को मनाने का या इस संबंध में जो बात कही थी पृथ्वी के संबंध में, वो सबसे पहले विचार किसने दिया था। ये विचार जो आया था 1969 के अंदर आया था और ये दिया गया था जॉन मैक कॉनल के द्वारा। ये एक शांति कार्यकर्ता थे, पर्यावरण पर भी ये काम करते थे, तो इन्होंने ये विचार दिया था, शांति कार्यकर्ता थे। और ये जो विचार इन्होंने दिया था यूनेस्को के सम्मेलन में, यूनेस्को एक संस्था है वहां पर इन्होंने किया था, और स्थान भी बता देता हूं, स्थान था वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, अमेरिका के अंदर है। ये विचार दिया। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां गड़बड़ी मत कर देना। क्वेश्चन ये है कि पहली बार कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, ध्यान रहे। ये पहली बार जो मनाया गया था ये 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, ध्यान रखना 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, और ये मनाया गया था अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो इसी को ही माना जाता है कि पहली बार ये मनाया गया 22 अप्रैल 1970 को। चले फिर एक क्लाइमेट से संबंधित थे कार्यकर्ता, डेनिस हैस। डेनिस हैस 1990 में
डेनिस हेस ने इसे पूरे वर्ल्ड में मनाने का सुझाव दिया। ध्यान रखें, आज भी यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब मनाया गया, 22 अप्रैल 1970, 1990 में इससे देश जुड़े, कभी 141 जुड़े, कभी कितने जुड़े, आज ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो पहली बार तो यही माना जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना। तो एक लाइन लिखिए, 1990 में डेनिस हेस ने इसे, 1990 में डेनिस हेस ने इसे पूरे विश्व में मनाने का प्रस्ताव दिया, पूरे विश्व में मनाने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव दिया जिसमें 141 देशों ने भाग लिया, 141। जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। अब आप सोचिए 141 देश उसके अंदर शामिल हो गए, और वर्तमान में हम देखें तो 190 देशों में यह मनाया जाता है। लेकिन यह ऐसी कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे बेमतलब में। बस थोड़ा सा यह ध्यान रखें कि 1969 में विचार दिया गया, 22 अप्रैल 1970 को पहली बार मनाया गया, फिर पूरे वर्ल्ड लेवल में जो बात उठी वो 1990 के आसपास जुड़ी। और जो लेटेस्ट है वो ये है कि 2016 में इसे जलवायु संरक्षण के साथ जोड़ा गया, क्लाइमेट कंजर्वेशन उसके साथ जोड़ा गया। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे इतिहास में लिखिए, 2016 में इस दिवस को जलवायु संरक्षण के साथ जोड़ा गया, जलवायु संरक्षण के साथ जोड़ा गया। चले, क्यों मनाया जाता है, इसमें लिखिए, लोगों को पृथ्वी व प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक बनाना, लोगों को पृथ्वी और प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक बनाना, पृथ्वी और प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक बनाना। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ जाओगे। अब आ जाइए थीम, इसकी जो थीम है ये है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। हिंदी में लिख देता हूं, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, चलें, आइए। अब आपको इस थीम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना,
और उसके ऑप्शंस की तलाश करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना और उसके ऑप्शंस की तलाश करना। समाप्त करना और ऑप्शंस की तलाश करना, ठीक। आइए अब मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, SUP, सिंगल यूज प्लास्टिक। शब्द को जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर अर्थ निकल जाएगा, ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार यूज किया जाता है, ऐसा प्लास्टिक जिसका सिंगल यूज होता है, एकल यूज होता है, एक बार जो इसका इस्तेमाल होता है। अब ये जो एक बार इस्तेमाल होता है ये कौन सा है आप भली भांति जानते हो, जिसे आप इस्तेमाल छोटे छोटे कप होते हैं उनका करते हैं, चाय पी डस्टबिन, एक वो स्ट्रो होती है, ठीक है ना, उससे पिया फेंक दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, एक बार इस्तेमाल किया और वो, अब आप सोचिए कितना कचरा इकट्ठा हो जाएगा, प्लास्टिक। और प्लास्टिक क्या है, इसका विघटन नहीं होता है पृथ्वी पर और फिर ये किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में चला जाता है। याद कीजिए मैंने आपको समुद्र के संबंध में कुछ बातें बताई थी, समुद्र में प्लास्टिक, तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मछलियां कम होगी प्लास्टिक ज्यादा होगा, और वो जो मछलियां हैं वो प्लास्टिक खाती है, उन मछलियों को मनुष्य खाता है और प्लास्टिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और प्लास्टिक यदि शरीर के अंदर चला जाएगा तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नुकसान कितना करेगा, ये है। तो इसके अगेंस्ट है ये, भारत का ये है कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है, ठीक है। आप जानते हो अभी आप थड़ियों पे जाते हो तो आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, एक अलग ही प्रकार का कप टाइप में मिलेगा, या तो कागज का मिलेगा या ऐसा मिलेगा जैसे स्ट्रो इस्तेमाल करते हो, मैंने बहुत देखी है, अब वो पहले वाली स्ट्रो नहीं है, आप स्ट्रो इस्तेमाल करोगे पीने लगे पता लगा कि वो बीच में खराब सी हो जाती है है ना ऐसा बीच में खराब हो जाती है, वो काम नहीं कर पा रही, फिर कहते हैं दूसरी दे भाई यार ये तो गिली हो गई, ऐसा चलने लग गया है। तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब लगाई, मुझे वो डेट चाहिए विद सन, और मैंने कराया हुआ है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीन तलाक को अवैध कब घोषित किया गया था 2017 में, ठीक है ना, ये चीजें हैं। 370 को कब समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को, ये चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इसी तरीके का ये क्वेश्चन, सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन हुआ भारत के अंदर, कोई बात नहीं ध्यान रखा करो, एक नोट डाल के लिखिए और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, ये याद होना चाहिए 1 जुलाई 2022। एक जुलाई 2022 को भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। चले आइए अब देखिए कुछ दिवस है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 21 अप्रैल
सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे 22 अप्रैल आपको बताई दिया, विश्व अर्थ डे। 23 अप्रैल आज का दिन, ये है विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस 24 अप्रैल ग्रामीण व पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। ये मैंने वो चीजें बताई है जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। ये अब देखिए, ये 22 अप्रैल विश्व अर्थ डे, इसी के आगे आता है 22, या इससे पहले आता है 22 मार्च। इस 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, रिपीट कर रहा हूं, 22 मार्च 2024 की थीम वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस। इसी तरीके से ये जो 22 अप्रैल है, इसके बाद आएगा 22 मई। इस 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे ये मनाया जाता है। अब ये तो अभी देखिए आएगा, तब की तब देखेंगे 22 मई 2024 की थीम। अभी तो लेटेस्ट में ही बनेगा, अगले महीने जब आए तब आप इसको करके देख लेना। अभी तो फिलहाल इसका यही बैकग्राउंड है। क्लियर होगी सारी बात? तो इसमें हम इतनी ही बात करेंगे।